ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कमर सीधी कर लें, मन को सूर्य भगवान के मध्य लगाने के प्रयास करें। सूर्य आदिकाल से हम सबकी प्रेरणा का स्रोत, सूर्य एक प्रकार से कर्म करते हुए चलते रहने की प्रेरणा देने का स्रोत। सुवति कर्मणि प्रेरयति लोकम इति सूर्य, जो सतत कर्म करने की प्रेरणा दे और दिन रात अनवरत चलता रहे कर्तव्य के भाव से, वह सूर्य। सूर्य का ध्यान हमारी मेधा को प्रखर बनाता है, हमारी बुद्धि को तेजस्वी बनाता है, हमारी स्मरण शक्ति को बहुत अच्छा बनाता है और हमारे अंदर पवित्र भावों का संचार करता है। आइए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का अर्थ, हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करें। गायत्री मंत्र एक साथ। तत्सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत्लालये त्रिश पितृवत्मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माताजी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान सभी हमारे विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, प्यारे प्यारे बच्चों, सभी हमारे बीच में बैठे हुए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज जो हम करने जा रहे हैं, आसक्ति को छोड़कर कर्म, निरासक्त कर्म, संगम त्यक्त्वा, संगम यानी आसक्ति, त्यक्त्वा यानी छोड़कर, आसक्ति को छोड़कर किए गए कर्म। जीवन साधना में हमारा पहला चरण क्या हो, हम जीवन साधना में प्रवेश करना चाहते हैं, पहले विद्यार्थी हैं, शुरू शुरू में आए हैं, कैसे करें? कर्म के माध्यम से। कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता, कर्म किए बिना आप भी नहीं रह सकते, कर्म किए बिना भगवान भी नहीं रह सकते। भगवान गीता में कहते हैं, तीसरे अध्याय का पांचवा श्लोक, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मक कार्यते यवश, कार्यते ही अवश, ही अवश, ही व अवश कैसे हो गया, यवश, तो ही अवश। कर्म सर्व प्रकृति ही जय गुणे, प्रकृति ही जय गुण। अब ये इसको अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो निस्संदेह भगवान कहते हैं, कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश किया हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। सारा मनुष्य समुदाय
अपनी प्रकृति के माध्यम से, हमारी त्रिगुण्यमयी जो प्रकृति है, सतरज तम की जो प्रकृति है, हमारी अष्टधा प्रकृति है, पंचभूत और तीन हमारे मन बुद्धि चित्त अहम, मन बुद्धि अहंकार, इन इस तरह की अष्टधा प्रकृति कही गई, सतरज तम गुणी गुणमयी हमारी प्रकृति कही गई, इसके माध्यम से हम चल रहे हैं, संचालन हमारा चल रहा है, तो प्रकृति के द्वारा हमारे समस्त गुणों को संचालन कर रहा है। भगवान कृष्ण की इसी बात को मैं दिखा देना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण इस बात को कह रहे हैं तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में, अर्जुन तू बार बार समझता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसा मत समझना। 27वां श्लोक, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते रहे। हमारी जैसी प्रकृति होगी, अगर हमारी सतोगुणी प्रकृति होगी तो हम सत्कर्म करेंगे, रजोगुणी प्रकृति होगी तो हम रजोमय कर्म करेंगे, हमें तमोगुण प्रकृति होगी तो तमोमय कर्म करेंगे। परंतु हमारे कर्म मिश्रित होते हैं, हमारे गुण भी मिश्रित होते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी बार बार क्या कहता है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, इस मिशन का सर्वे सर्वा मैं हूँ, ये सारा का सारा जो बना है ना, ये सब मेरी वजह से चल रहा है, ये कौन कहता है, अहंकार है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं नहीं बल्कि प्रकृति ही करा रही है सारा का सारा काम, प्रकृति ही एक प्रकार से अंदर से संचालित कर रही है। भगवान एक बात और कहते हैं तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक देख लें, अपने बारे में कहते हैं, खुद अपना प्रमाण देना बहुत बड़ी बात है। भगवान कहते हैं 21वां 22वां 23वां, नमे पार्थास् कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाप्तम वाप्तव्यम, नानुवाप्तम अवाप्तव्यम, वाप्तम अवाप्तव्यम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है, न कोई अप्राप्त है, वर्त एव च कर्मणि, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, मैं कर्म ही करता हूँ, मुझे कुछ नहीं प्राप्त करना है। भगवान को क्या प्राप्त करना है, भगवान के लिए सब कुछ है, भगवान को भोग करना नहीं है, भगवान को संचालन करना नहीं है, प्रकृति संचालन कर रही है, भगवान प्रकृति से ऊपर हैं, प्रकृति को अपने अधीन करके जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। इसलिए वो कहते हैं इन तीनों लोकों में न कोई कर्तव्य है, न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है, तो भी मैं कर्म ही करता हूँ। भगवान जब कर्म करते हैं तो मनुष्य को कर्म करना चाहिए। आगे लिखते हैं, क्योंकि हे पार्थ यदि वयम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंदितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वश्य, यदि मैं कदाचित सावधान होकर कर्मों में न वर्तूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। यदि मैं कर्म न करूं, कर्म बरतना मतलब क्या कहते हैं, ये बरतना शब्द जो ट्रांसलेशन हुआ है ना, वो जिन लोगों के द्वारा हुआ है उनके व्यवहार में वो भाषा होने कारण बरतना लिखा है, और उन्होंने वर्तेयम का ट्रांसलेशन बरतना कर दिया है। कर्मों में न बरतूं मतलब कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, भगवान जहाँ जहाँ चलेंगे मनुष्य उसी हिसाब से चलेगा, भगवान जिस जिस आचरण को करेंगे, भगवान के अलावा महापुरुष श्रेष्ठ पुरुष जो महामानव हैं, जो कीर्ति स्तंभ हैं, प्रकाश स्तंभ हैं, वो जिस जिस तरह से चलेंगे उसी तरह से मनुष्य चलेगा। इसी बात को 21वें श्लोक में कहा है, यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत् देव देवे तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तद अनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा आचरण करते हैं, वह जो कुछ प्रमाण स्थापित कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लगता है, उसके साथ व्यवहार करना, बरतना यानी व्यवहार करना, बरतना यानी कर्म करना, बरतना यानी आचरण में उतारना, ये विभिन्न उसके पर्यायवाची। तो भगवान कह रहे हैं अपने उदाहरण दे रहे हैं कि जब मैं कर्म से मुझे एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, भगवान है भाई, भगवान को जरूरत नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, तो फिर मनुष्य कर्म किए बिना कैसे रहता है। इसलिए कर्म किए बिना आप नहीं रह सकते, कर्म अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, दो तरह के कर्म होते हैं। शरीर रक्षा के लिए कर्म हम करते हैं, कमाना खोना खाना सोना, जनरली हमारा जो सारा कंसंट्रेशन है आज के भोगवादी युग में वो इसी पर है, कमाइए खाइए सोइए, ऋण लेना पड़े तो ऋण लीजिए, और ऋण लेने के बाद प्रेम से उसका उपभोग करिए। उन्हीं कर्मों को कुशलतापूर्वक क्यों न किया जाए जो आपके लिए करना जरूरी है, कर्म को योग क्यों न बना लिया जाए। भगवान कहते हैं कर्म को योग बना लो, कर्म को योग बना लो। आज लोगों ने कर्म को रोग बना लिया है, रोग का कारण बना लिया है, कर्म करते हैं कर्म लिप्सा में डूब गए हैं, सुबह से शाम तक जलते हैं, मरते हैं, खटते हैं, क्यों, क्योंकि इतनी सारी ऋणों की किस्तें देनी है उनको,
ढेर सारा करते हैं, सुबह शाम तक काम किए जा रहे, काम किए जा रहे, काम किए जा रहे, और उसके बाद पेमेंट करने के बाद पता चलता है कि इतना सा वेतन अपने हाथ में आया, फिर कर्म करते हैं, उतनी ही महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, उतनी ही तृष्णा बढ़ जाती है। तो कर्म को योग क्यों ना बना लिया जाए, अध्यात्म के उपदेष्टा कोई भी क्यों ना हो, कर्म की बात सबने कही है, चाहे गुरुदेव हों, चाहे स्वामी विवेकानंद हों, चाहे वो आदि शंकराचार्य हों, चाहे वो भक्ति योग के प्रवक्ता हों, चाहे योग विज्ञान के प्रवक्ता हों, पतंजलि हों, सभी ने एक बात कही है कि कर्म इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि कर्म से चित्त शुद्धि होती है, चित्त शुद्धि के लिए कर्म किए जाने चाहिए। जो कर्म नहीं करेगा उसकी चित्त की शुद्धि नहीं होगी, और चित्त की शुद्धि बहुत ज़्यादा जरूरी है। निष्काम कर्म के माध्यम से हमारा चित्त शुद्धि के परम उद्देश्य के लिए निष्काम कर्म करना बहुत जरूरी है। पतंजलि योगाभ्यास में कहते हैं अपनी बात कि चित्त शुद्धि हेतु निष्काम कर्म जरूरी है। आज जो भी हम कुछ हैं वो हमारे अतीत के कर्मों के कारण, आज हमारे संस्कार जो कुछ भी हैं हमारे अतीत के कर्म जो हमने किए हैं इस जन्म में, पिछले जन्मों में, तो आप कहेंगे सर फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा? नहीं, बहुत कुछ बचा। अच्छे कर्म करते हुए बुरे कर्मों के कारण बनी हुई जितनी भी हार्ड डिस्क आपकी मेमोरी के अंदर यहाँ हैं या संस्कारों की हार्ड डिस्क हैं, उनको मिटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। सत्कर्मों के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा आप अच्छे कर्मों को के द्वारा बुरे कर्मों की मेमोरी को, बुरे कर्मों के संस्कारों को मिटा सकते हैं। जो कर्म परिपक्व हो गए हैं उनके कारण ये शरीर है। आज जो शरीर है इसकी यात्रा आपको नहीं मालूम, न जाने कितने जन्मों से चली आ रही है। कुछ महापुरुषों को आभास हो जाता है अपने बारे में, कुछ को करा दिया जाता है उनके गुरु के द्वारा, तो उनको जानकारी होती है कि हाँ पूर्व जन्म में ये भूमिका थी, इस जन्म में ये भूमिका है, अगले जन्म में तुमको कुछ काम करना है फिर तुम मुक्त हो जाओगे, तुम इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे, इतना काम कर लो, गुरु बता देते हैं। पर आम आदमी को तो जानकारी नहीं है। अतीत के कर्म जिनके कारण आज हम हैं, उनके कर्म जो परिपक्व हो गए हैं उसके कारण हमारा शरीर है, उन्हीं के माध्यम से चित्त के संस्कार फलित होते रहते हैं, उन्हीं पूरे पिछले कर्मों के कारण। हम दुष्कर्मों को तप के माध्यम से ख़त्म कर सकते हैं, सत्कर्मों को पुण्य के माध्यम से इकट्ठा कर सकते हैं। सत्कर्मों का अकाउंट बढ़ाइए पुण्य के माध्यम से, और दुष्कर्मों को जो आपने पहले किए हैं, कैसे किए हैं आपको नहीं मालूम, अनजाने में हो गया होगा, किसी की निंदा कर दी होगी, किसी का दिल दुखा दिया होगा, किसी को सामने झूठ बोल दिया होगा, किसी की पीठ पीछे बुराई कर दी होगी, किसी को डंक मार दिया होगा। पिछले जन्म में हो सकता है कि बिच्छू की योनि में रहे हो, कोई सांप की योनि में रहे हो तो डंक मार दिया होगा, न जाने क्या क्या करके आए हैं, भुगत के आए हैं, पर कोई ना कोई पुण्य है इसलिए इस जन्म में ये कर्म योनि मिली है। तो कर्म योनि जो मिली है उस कर्म योनि का सबसे बड़ा लाभ ये किया जा सकता है कि पुण्य कर्मों का संचय, श्रेष्ठ कर्मों का संचय, सत्कर्मों को इकट्ठा करते चलो। अरे किसके लिए इकट्ठा करेंगे, खाओ पियो और मौज करो। आज का सिद्धांत क्या है, खाओ पियो मौज करो, सुबह से शाम तक जितना मिले उसको उसी में खपा दो। मैं कलकत्ता गया, कई बार गया, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि साहब यहाँ कलकत्ता एक ऐसा शहर है जिसमें कि आदमी कभी भूखा नहीं सोता, वो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, खा लेता है, फिर रात को कुछ पी करके सो जाता है, शराब पी के सो जाता है, बड़ा सुखी है, बड़ा प्रसन्न है। मैंने कहा सुख की परिभाषा ही तो समझ में नहीं आई। बोले साहब क्योंकि उसके पास संचय नहीं है, उसके पास कुछ इकट्ठा नहीं है, अगले दिन फिर सुबह से लगता है। तो ये तो कीड़े मकोड़े भी करते हैं, पशु भी करते हैं, सुबह से इकट्ठा करते हैं, शाम तक खा पी लेते हैं, शाम को सो जाते हैं। तो फिर आदमी में और कीड़े मकोड़े में अंतर नहीं है क्या? नर पशु में और नर मानव में अंतर नहीं है? दोनों में अंतर तो समझना पड़ेगा हमको। मनुष्य आगे बढ़ने के लिए आया है, एक पुल पर खड़ा है मनुष्य। इस तरफ कौन है? नर पशु। इस तरफ कौन है? देव मानव। बीच में पुल है। इस पुल पे खड़ा होने के बाद उसको अगर इधर जाना है तो रास्ता क्लियर है, नर पशु बनना है तो बन जाओ, इधर चलना है तो नर मानव बन जाओ, देव मानव बन जाओ, महामानव बन जाओ। हमारे हाथ में है, चॉइस हमारे हाथ में है। कर्मियों का शुभारंभ कहाँ से करें? अनासक्त भाव से यदि हम कर्म करते हैं, ऐसा कहते हैं कि हम अनासक्त भाव से करते हैं, हमने कभी कोई आसक्ति नहीं रखी, हम तो करते हैं और भूल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं तुम झूठ बोलते हो, स्वामी विवेकानंद कहते हैं तुम झूठ बोलते हो। सुख भोगते हुए हम ऐसा करते हैं, ऐसा कहते हैं, क्या दुख भोगते हुए ऐसा कह सकते हैं? हम आसक्ति के बिना करते हैं। आपको उस समय जो है भगवान भी याद आते हैं, गुरु भी याद आते हैं, मंदिर भी याद आते हैं, ठाकुर जी भी याद आते हैं, सब लोग याद आने लगते हैं, पर सुख के समय याद नहीं आते।
ऐसे कर्म करना चाहिए जिसमें आपका अहम न जुड़ा हो, ऐसे कर्म करना चाहिए जिसमें आपकी लोकेशना की तृप्ति न होती हो, ऐसे कर्म करना चाहिए। मैं जो आज चैप्टर ले रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है गीता का। कई लोग कहते हैं कि बिना किसी फल की कामना के कर्म नहीं किया जा सकता। आज का एक आदमी तर्क करता है, कोई ना कोई तो फल होना चाहिए, कोई ना कोई फल की आकांक्षा होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ गीता के माध्यम से कि बिना किसी फल की आकांक्षा के कर्म किया जाना चाहिए। क्यों? भगवान कह रहे हैं कर्मयोग कैसे करें, दान और सेवा के द्वारा करें। दान करना सीखें। दान किसका? अपने समय का, अपने संसाधनों का, अपने ज्ञान का, अपने प्रभाव का, अपने पुरुषार्थ का, अपने श्रम का, अपने पास जो कुछ भी है उसका, सर्वतो भावेन। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, एक आदमी का सब कुछ खो गया, कुछ भी नहीं बचा उसके पास, सारा चला गया। तो अपने गुरु के पास पहुंचा, गुरुदेव मैं तो खाली हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। गुरुदेव ने कहा कुछ दोगे तो मिलेगा, तुम्हारे पास कुछ है अपना? तो उसने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो बोले ऐसा करो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो ऐसा कर सकते हो, तुम तृण और जल से सेवा करो, तृण और जल से सेवा करो, घास पशुओं को खिलाओ और जल आदमियों को पिलाओ, इतना तो कर सकते हो। उसने किया, उसके बाद उसको गुरु की कृपा मिली, कुछ करोगे तो मिलेगा। मुझे याद है मैं बहुत कम उम्र में आ गया था, यहाँ 27 साल की उम्र में आ गया था, तो ब्रह्मवर्चस्व बन रहा था। ब्रह्मवर्चस्व बनाने में हम लोग खड़े रहते थे तैयार, वहाँ पर मेहनत करते थे सुबह से शाम तक। सुबह 6:30 बजे में चला जाता था गुरुदेव से प्रणाम करके, शाम को 6 बजे आता था, 12 घंटे वहीं रहता था शुरू के 4-5 साल। तो मुझे याद है कि एक तांगा आया, तांगे में ढेर सारी पूरियों के झाल रखे हुए, जलेबियाँ रखी हुई, कचौड़ियाँ रखी हुई। मैंने कहा भाई किस लिए आए हो यहाँ पर शांत? यहाँ बोले साहब आपके यहाँ नक्षत्र चलता है क्या? मैंने कहा हमारे यहाँ तो नक्षत्र नहीं चलता। अरे गलत रोक लिया तांगे वाले, यहाँ नहीं चलता नक्षत्र, कहीं आगे चल। मैंने कहा तुम रुको, मैं तुमको बताता हूँ कहाँ नक्षत्र चलता है। मैंने उसको 2-3 नक्षत्र अच्छे जो चलते थे वो बताए। मैंने कहा ये क्यों खिलाने जा रहे हो तुम? तो बोला कि इसलिए खिलाने जा रहे हैं कि हमारे पिताजी की इच्छा थी कि ब्राह्मणों को दान हो जाए। मैंने कहा ब्राह्मणों को नहीं, भिक्षुकों को, भिकारियों को दान करने जा रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, किसी का फायदा नहीं होने वाला, तुम्हारे पिताजी भी दुखी रहेंगे ऊपर, तुम भी दुखी रहोगे। मालूम नहीं मित्रों उसको, उसने मुझे कितनी गालियाँ दी होंगी, पर वो चला गया वहाँ से, क्योंकि उसको ये लगा होगा कि ये तो कोई एक नास्तिक आदमी यहाँ आ गया है, या तो ठेकेदार है जो भवन बनवा रहा है, इसको आइडिया नहीं है और दान का महत्व नहीं समझता। मुझे ऐसा लगता है कि एक अज्ञान इतना ज़्यादा है इस क्षेत्र में, दान के क्षेत्र में ढेर सारे लोग दान देते रहते हैं। दान करने से 2 चीज़ें मिलती हैं, आपका पुण्य बढ़ता है, दुष्कर्मों का संचय जो हो गया है वो खत्म होता है, ऊंचे उद्देश्यों के लिए कर्म लगने लगते हैं, पुण्य का अकाउंट बढ़ने लगता है, दुष्कर्म का अकाउंट खत्म होने लगता है। तो अब धन नहीं है तो कोई बात नहीं, दान की जब बात आती है लोग कहते हैं धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो सेवा करो, सेवा करो, समय दान दो, श्रम दान करो, ऐसा दिन भर में काम करो जो अपने लिए ना हो। अपने लिए तो बहुत काम करते हो, अपने लिए तो ढेर सारे लोग जीते हैं। कोई ऐसा काम करो, एक काम कोई दिन में ऐसा करो जो अपने लिए ना हो, दूसरों के लिए हो। जा रहे थे सड़क में, ईंट का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उठा के रख दिया, बस छोटा सा काम है पर वो याद रहेगा बिल्कुल। और पानी की टोटी में से नल बह रहा था पर हमको लगा कि विश्वविद्यालय का नुकसान हो रहा है, हमने बंद कर दिया, ठीक है ना। तो ये छोटा सा काम जो अपने लिए ना हो, किसी और के लिए हो, विराट के लिए हो, समाज के लिए हो, जहाँ आप रह रहे हो उस परिसर के लिए हो, किसी और के लिए हो, अपने लिए ना हो। अपने लिए सब करते हैं, अपने लिए कपड़े पहनते हैं, अपने लिए कपड़े धोते हैं, चावल का मांड लगाते हैं, अच्छा बढ़िया सा प्रेस करके रखते हैं, उसको पहन के चलेंगे, इतनी मेहनत करते हो अपने लिए, थोड़ा सा विराट के लिए मेहनत करके देखो। व्यस्त दिनचर्या में यह भी ना हो सके तो निष्काम प्रार्थना करो। मान लो तुम्हारी व्यस्त दिनचर्या हो तो निष्काम प्रार्थना करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हृदय से प्रार्थना करो। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। हम अपने लिए याचना करते हैं, प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना व्यापक उद्देश्यों के लिए की जाती है, याचना स्वार्थ के लिए की जाती है। याचना स्वार्थ के लिए और प्रार्थना व्यापक उद्देश्यों के लिए, विराट उद्देश्यों के लिए। उतनी स्थिति तो हमारी है कि हम प्रार्थना करें। भावो ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान भावना में निवास करते हैं। भाव से यदि हम करेंगे तो वास्तव में हम किसी और को भी, कोई कुछ और नहीं कर सकते तो कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना कर लो, आपके लिए नहीं कर सकते, अपने लिए नहीं कर सकते, औरों के लिए प्रार्थना कर लो।
एक कथा सुनाने का मन है कि कोई निष्काम कर्म करने से प्रभाव क्या मिलता है। कथा बहुत सारे लोग जानते हैं, फिर भी मैं सुना रहा हूँ। भगवान कृष्ण रासु यज्ञ में मौजूद थे, युधिष्ठिर ने रासु यज्ञ किया। रासु यज्ञ में एक नेवला आया और नेवला जो था बड़ा विचित्र प्राणी था, उसका आधा हिस्सा सोने का था पीछे का, आगे का हिस्सा जो था उसका आदमी जैसा था, एनिमल जैसा था, नेवले जैसा था। और वो आदमी की भाषा बोल रहा था। उसने कहा युधिष्ठिर को, राजन तुम्हारा यज्ञ तो अधूरा रह गया। तो उन्होंने कहा आपका यज्ञ तो यज्ञ नहीं हुआ, मेरा आधा हिस्सा सोने का था। मैं यहाँ इसलिए आया था कि शायद यहाँ की मिट्टी में लोट लगाने से मेरे की शरीर का बाकी बचा हुआ हिस्सा भी हो जाए। तो तुम हो कौन? अब भगवान कृष्ण जो थे वो हंस रहे थे। तो उन्होंने कहा भगवान आप बताइए लीला, ये आधा हिस्सा सोने का आधा हिस्सा ऐसा, ये नेवला आखिर है कौन? बोले नेवला खुद बोल रहा है, नेवले के मुँह से कहानी सुनते हैं, कृष्ण तो सब जानते ही हैं। भगवान कृष्ण ने उस नेवले को प्रेरित किया और मुस्कुराते रहे। उस नेवले ने कहानी सुनाई कि आज से एक कल्प पूर्व एक यज्ञ हुआ था, 3 वर्ष तक बराबर अकाल पड़ता रहा और उस अकाल में एक ब्राह्मण परिवार, मुद्गल ऋषि का परिवार, उस मुद्गल ऋषि के परिवार के एक एक सदस्य ने धीरे धीरे करके अपनी जान दे दी। तपश्चर्या के संस्कार के बलीभूत होकर, वशीभूत होकर केवल मुद्गल ऋषि ही जीवित रह पाए, बाकी उनके बेटे, उनके बहू, उनकी पत्नी ने अकाल में, एक चांडाल आया भोजन करने, भोजन करने आया तो उस समय 1 रोटी बची थी इनके पास, अनाज का जो भी हिस्सा था उससे 1 रोटी, 1 रोटी के 4 टुकड़े करके चारों ने बांट लिए कि आज अंतिम भोजन है, भगवान देंगे तो लेंगे, इसके बाद नहीं लेंगे। तो ये जैसे खाने को थे वैसे ही वो चंडाल सामने आके खड़ा हो गया। उसने कहा कि अतिथि का हिस्सा पहला होता है, तो सबसे पहले जो दे दिया वो पिता ने दे दिया। उसने कहा कि आप लोगों ने दे करके बड़ी गड़बड़ कर दी, अब तो मेरी भूख और प्रचंड हो गई है, अगर ये न दिया होता तो मर जाता, वो अच्छा रहता, तो अब मेरी भूख प्रचंड हो गई, दूसरा टुकड़ा भी दो। पत्नी ने दे दिया, फिर बेटे ने दे दिया, अंत में 4वां टुकड़ा बहू ने दे दिया। और उस चंडाल ने जहाँ उस कुल्ले को किया, अन्न के दाने बिखर गए, अन्न के दाने बिखर गए, 3 तो उसी समय मर गए। तो भगवान विष्णु की सवारी आई और ऐसा कहते हैं कि वो चांडाल जो थे वो भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में बदल गए। और उन्होंने कहा कि मुद्गल ऋषि आप इस कठिन तपश्चर्या में उत्तीर्ण हुए, आपने जो यज्ञ किया है उस यज्ञ का और कोई परिणाम नहीं कहा जा सकता, ये कहा जा सकता है कि ये दुर्भिक्ष जो है समाप्त होगा, क्योंकि आप जैसे देने वाले मौजूद हैं। जब अपने पास न हो तब देने का मन करे उसे यज्ञ कहते हैं, अपने पास न हो तो महायज्ञ हो जाता है। महायज्ञेश यज्ञेश ब्राह्मीयम क्रियते तनु, महायज्ञ वो होता है जिसमें कि व्यक्ति ब्राह्मणत्व को धारण कर लेता है। उस नेवले ने कहा कि मैंने जहां उन्होंने कुल्ला किया था, भगवान ने चांडाल रूपेशधारी भगवान ने जहां कुल्ला किया था, उस कुल्ले में जो अन्न के दाने थे उसमें मैंने अपने आप को लोटपोट कर लिया, तो आधा हिस्सा सोने का हो गया। भगवान से पूछा, भगवान ये कब होगा? भगवान ने कहा तू तलाश करता रहे युगों युगों तक, आगे के युग में, आगे कल्प में तलाश करना, कोई ना कोई यज्ञ ऐसा जरूर होगा। मित्रों, युधिष्ठिर निराश हो गए। युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान अपना यज्ञ तो ऐसा नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा आगे ऐसे यज्ञों का क्रम अनवरत चलता रहेगा, जब यज्ञों की श्रृंखला चलेगी, सत्युग आएगा, तब इस नेवले की कथा भी पूरी हो जाएगी। ये जो मैंने बताया निष्काम कर्म का प्रभाव पड़ता है, निष्काम कर्म अपने लिए नहीं जिए वो लोग, उन लोगों ने औरों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, अपना शरीर दे दिया। एक कहानी है, कहानी के रूप में सुन लो, एक सही कहानी है, सच कहानी है जो पेपर में छपी थी। मध्य प्रदेश में एक सेठ की बेटी को एक प्रेत ने पकड़ लिया, सेठ की बेटी को एक प्रेत ने पकड़ लिया, भूत ने पकड़ लिया। और भूत ने ये कहा हम छोड़ देंगे यदि पंडित जी जो हैं, जो आपके यहाँ भागवत करने आते हैं, वो पुण्य का दान कर दें। तो वो तांत्रिक के पास गए, सबके पास गए, पंडित जी जो थे उनके पास गए कि पंडित जी आपको याद कर रहा है, और पंडित जी वो कह रहा है कि यदि पंडित जी अपनी पुण्य का दान कर दें तो हम जो है इसको छोड़ देंगे लड़की को। तो वो जिन्न जो था उसने कहा कि पंडित जी आप सोचिए कोई पुण्य आपने किया हो। तो बोले भागवत का पुण्य ले ले, तो जितनी भागवत हमने कही है। बोले भागवत का कोई पुण्य होता है? भागवत पैसे के बदले में करते हो, भागवत में तुमने उसके बदले में पैसा ले लिया तो कोई पुण्य थोड़ी है। भागवत कथा निरासक्त भाव से जब सुखदेव कहते हैं, परीक्षित सुनते हैं, तो उसका पुण्य होता है।
पर आज ऐसे भागवत कथाकार कहाँ हैं, हजारों भागवत कहने वाले हैं पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि पैसे लिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा आपके कहे हुए कथा का कोई पुण्य नहीं। तो फिर वो बोला, कौन प्रेत बोल रहा है लड़की के माध्यम से, कि तुमने एक पुण्य किया है, एक पुण्य किया उसको याद करो। अब पंडित जी बार बार सोचें कोई पुण्य नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, ये भागवती बोली जिंदगी भर और कुछ नहीं किया, फिर क्यों बार बार याद दिला रहा है। तो बोले वही दोगे तो छेड़ेंगे हम छोड़ेंगे। फिर बोले कि भैया तुम ही याद दिला दो, हमें याद आ जाएगा तो हम जरूर दे देंगे, पूरा पुण्य तुमको दे देंगे। उसने याद दिलाया, माघ मास का महीना था, आज से 20 साल पूर्व बात थी, आप जवान थे, आप घोड़ी पर चले जा रहे थे और कहीं जंगल से गुजर रहे थे, 4-5 मजदूर बैठे थे, कुछ काम कर रहे थे वहाँ पर, निर्माण का काम कर रहे थे। तो उनमें से एक मजदूर बोला कि काश कोई आता और मुझे गर्म पानी दे देता तो मैं स्नान कर लेता, मुझे कितनी राहत मिलती। दूसरा बोला कि कोई आता और मुझे सरसों के तेल की मालिश कर देता तो कितना अच्छा लगता, बहुत राहत मिलती। छोटे आदमी की छोटी आकांक्षा, जितनी भी आकांक्षा थी उसने अपने अपने बताई। तीसरे ने कहा कि काश कोई यहाँ आता और हमको बालू बिछा करके उस पर पुआल बिछा देता, सोने के लिए दे देता। चौथे ने कहा काश कोई हमको रोटी दाल और थोड़ा सा कोई मीठा खिला देता। चारों की अपनी इच्छाएं, पंडित जी ने चारों इच्छाएं सुन ली। चारों इच्छाएं सुनने के बाद पंडित जी ने बुलाया, उन्होंने कहा मेरे घर चलो, थोड़ी 2 मील दूर पे मेरा घर है, चले चलो। घर ले गए, पत्नी से कहा पानी गर्म करो, सरसों का तेल गर्म करवाया, पानी गर्म करके सब चारों को नहलाया, तेल दिया, तेल लगाया, खुद अपने हाथ से तेल लगाया, मजदूरी भी दी, पुआल भी बिछवा दिया, खाना भी खिलाया और उसके बाद पंडित जी ने रवाना कर दिया। अच्छा भैया जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई कि नहीं। पंडित जी को हाव भरा धन्यवाद देते हुए मजदूर लोग चले गए। अब उनको याद ही नहीं रहा। इस काम को कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। हम लोग क्या करते हैं, अपने अच्छे किए हुए काम को याद रखते हैं। मैं मंच पे चढ़ा था, मंच पे चढ़ के मैंने ये बोला था, मैंने ये पुरस्कार लिया था, दाईं तरफ मेरे डॉक्टर साहब खड़े थे, बाईं तरफ मैं खड़ा था, मेरे पास फोटो भी है, आप देख लो। वो आपको जो पुरस्कार मिला वो अपनी जगह अलग है, पर नेकी कर दरिया में डाल, जो कुछ किया है उसको फिर भूल जाओ। अनासक्ति से जो काम किया जाता है संपूर्ण रूप से साक्षी भाव से भूल गए करके, यह हम सबको आना चाहिए। यह हम सबको करना है कि जो भी काम करो वो सारा के सारा करके भूल जाओ। किसके लिए किया, कर दिया, बस कर दिया। बार बार याद मत दिलाओ मैंने इतना काम किया है, मैंने इतना काम किया है, मैं लाखों लोगों को मैंने शिक्षा दिलवाई है, लाखों लोगों के लिए मैंने व्यवस्था करवाई है, मैंने गुरुदेव के जाने के बाद इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया, ये कहने की जरूरत नहीं है। आपके कर्म, आपके की गई स्थापनाएं स्वयं आपकी प्रशंसा करा देंगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं हमारे जीवात्मा के विकास की श्रेष्ठतम स्थितियां परमात्मा ने दी। श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जीवात्मा के विकास की चरमतम स्थितियां, विकास की श्रेष्ठतम स्थितियां हैं, मौजूद हैं इस मनुष्य योनि में। हम चाहें तो उस स्थिति में जा सकते हैं। भगवान कृष्ण एक श्लोक कहते हैं, मैं 14वां अध्याय खुलवाने के लिए बोलूंगा सबसे, 14वें अध्याय का 22वां श्लोक। 14वां अध्याय जो है हमारा त्रिगुणातीत की व्याख्या करता है। अर्जुन बड़ी जिज्ञासा करता है कि अर्जुन बोलता है तीनों गुणों से, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण से परे कौन सा व्यक्ति होता है, त्रिगुणातीत होता कौन है आखिर। तो श्री भगवान कहते हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह में च पांडव न द्वेष्टि न संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है, न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। अर्थ को ज़्यादा कठिन है समझने की कोशिश मत करना, सुन लेना कि प्रकाश एक तरफ, प्रवृत्ति और तीसरा मोह, ये तीनों की तीनों प्रकृतियाँ, तीनों की तीनों प्रतिक्रियाएँ सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की हैं। प्रकाश जब अंदर से जागृत होता है तो उसके बाद फिर ये प्रतिक्रियाएं होती है, पर इनसे न द्वेष करना है न आकांक्षा करनी है। हमारी परिस्थितियां प्रकाशपूर्ण हो जरूरी नहीं है। योगी सत रज तम से प्रभावित न होकर श्रेष्ठतम आचरण करता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं हमारे कर्मयोग से जागृति का भाव बढ़ता है, अंतर जागृति का भाव बढ़ता है, अंतस्थ शक्तियां हमारी जागती हैं, हमारी रिद्धि सिद्धियां जागती हैं। हम जो आसक्ति रहित कर्म करते हैं इनसे अनायास ही एक ऑपरेशन हमारे अंदर चलता है,
और उस ऑपरेशन से हमारे जो जितने भी दुष्ट पूरे संस्कार हैं, पुराने संस्कार हैं, उन मिटते चले जाते हैं। हमारे अंदर से एक योगस्थ योग में स्थित होने लगते हैं हम लोग, और योग में स्थित होते ही हमारे अंदर की जो चित्त वृत्तियाँ हैं उनका परिशोधन होने के साथ साथ श्रेष्ठ जो शक्तियाँ हैं हमारी, अतिंद्रिय क्षमताएँ, हमारी दूरदर्शिता, ये सारी सारी चीज़ें जागृत होने लगती हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक व्याख्यान दिया है कर्मयोग, कर्मयोग का मर्म एक व्याख्यान उन्होंने दिया है, आसक्ति रहित कर्म। मैं कहूँगा पढ़ने के लिए सबको, बच्चों को, अपनी किताब है लाइब्रेरी में, पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना। मैं उसका सार सुना देता हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं नैतिकता की एकमात्र परिभाषा है जो स्वार्थ युक्त कर्म करता है वह अनैतिक, जो निस्वार्थी है वह नैतिक। नैतिकता से जुड़ा हुआ, जो बिना किसी फल की कामना के कर्म करता है वह नैतिक, जो फल की कामना के साथ काम करता है वह अनैतिक। अब हमें सोचना है कि हम अनैतिक हैं या नैतिक, अनैतिकता की ओर जाएंगे नैतिक। बिल्कुल स्पष्ट चिंतन कर्मयोग के बारे में। स्वामी विवेकानंद कहते हैं शुद्र शरीर ही मनुष्य है, हमारा जो मनुष्य का ये शरीर है एक शुद्र है, इस भाव से परे होना, मैं और मेरे के भाव से निकलना ये बहुत जरूरी है। ये मैं है, ये मैं हूँ, ये मेरा है। हम लोग बहुत जल्दी मोह जागृत कर लेते हैं, ये मैं, ये मेरी किताब, ये मेरा पेन, ये मेरी यूनिवर्सिटी, ये मेरा कमरा, ये मेरे मित्र, बस ये मेरी सखाएं, ये मेरी सहेलियां। हम उससे ज़्यादा हम सोचते ही नहीं, बस ये हमारा जब मोह की परिधि बन जाती है, इस भाव से परे होना, विराट के साथ जुड़ने का प्रयास। हमारा अंतिम लक्ष्य मुक्ति होना चाहिए। उदाहरण वो देते हैं बुद्ध का। बुद्ध एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने एक ही बात कही, भला करो भले बनो, भला करो भले बनो। शास्त्र में क्या लिखा है छोड़ दो, कौन महापुरुष के आगे गया छोड़ दो। वेदों ने कहा है कि भगवान को मानो, और भगवान को मैं नहीं मानता क्योंकि भगवान ने अगर कोई गलत बात कही है तो मैं उसको स्वीकार नहीं करता। मैं कहता हूँ शून्य ही भगवान है, बस भला करो भले बनो। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं मैं एक व्यक्ति जिसको जानता हूँ जिसने कि वास्तव में कर्मयोग का संदेश दिया, कर्मयोगी के रूप में जिसने अवतारी चेतना के रूप में काम किया, वो थे भगवान बुद्ध। उन्होंने कहा शून्य होकर कर्म करो, बुद्ध बन जाओ, स्वयं बुद्ध बन जाओ, तुम्हारे अंदर से बोध भाव पैदा होगा, तुम्हारे अंदर का बुद्ध जागृत हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि दान और सेवा, सेवा क्या करनी चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान देना सबसे बड़ी सेवा है, अपने आप को देना, दूसरों को देना। जब भी कोई बातचीत चले तो बातचीत का क्रम क्या होना चाहिए हम लोगों का आपस का। मैं नहीं कहता कि तुम लोगों की उम्र है, तुम लोगों की उम्र से मैं भी गुजरा हूँ, और गुजर करके मैं हॉस्टल में मैंने 9 साल जिंदगी बिताई है। मैं घर में, घर मेरा होते हुए भी इंदौर में घर था, पिताजी यहाँ विराजमान हैं, पिताजी डिस्ट्रिक्ट जज थे इंदौर के, और उनका घर मौजूद था 2 किलोमीटर दूर का, दूर रहता था घर, परंतु मैं वहाँ से हॉस्टल जाता था, हॉस्टल में जाके पढ़ता था क्योंकि पढ़ने के लिए वातावरण हॉस्टल में ही मिलता था। और हॉस्टल में ये स्थिति थी कि हमारे लोग देर तक जागने वाले, 1:30 बजे 2 बजे, तुम में से भी कई लोग 1:30 बजे तक जागते हो ना, तुम लोग पढ़ते हो, बहुत पढ़ने वाले हो तुम लोग ना, तो 1:30 बजे तक जागते हो, पढ़ते हो, 10 बजे के बाद काम करने की पढ़ने की स्थिति आती है। मैं 9:30-10 बजे सो जाता था, और 10 बजे जब मैं सो जाता था तो मैं उन लोगों के लिए चाय बना के सो जाता था क्योंकि वो लोग जगने वाले होते थे, जितने भी रात को जगने वाले असुर होते थे वो सब रात को जगते थे। मुझे वो 3 बजे उठाते थे, 3:30-3 बजे, पर मेरे लिए चाय बनाते थे, मेरे लिए चाय बना के उठा देते थे, फिर मैं चाय बना करके, चाय पी करके मैं पढ़ने बैठ जाता था। मेरी जो मेरी आदत है ये मेरी माँ ने बहुत बचपन से डाली, जब मैं 5वीं 6वीं में पढ़ता था तब से सुबह चाय बना के बैठ जाती थी, और खुद कोई किताब हाथ में ले लेती थी, कल्याण की कोई किताब हाथ में ले ली, गीता प्रेस की कोई किताब हाथ में ले ली, और मुझसे कहती थी तू पढ़, तू सोएगा नहीं। मैं पढ़ता था सुबह, पढ़ के दिन भर फिर अपना खेलता था, कूदता था, पास हो जाता था, फर्स्ट क्लास में पास हो, फर्स्ट क्लास फर्स्ट हर एक क्लास में। तो ये लोग भी समझते थे कि पढ़ता कब है, शाम को आता है तो फिर खेलने लगता है, खेलने के बाद फिर सो जाता है, सुबह पढ़ता केवल 2-2.5 घंटे। मैंने कहता तुम लोग अपनी आदतें बदलो, पर हम लोग जितने भी हैं हम लोगों को अपने सुबह से शाम तक के कर्मों पर एक ऑब्जर्विंग भाव, साक्षी भाव के माध्यम से रखना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्मयोग से हम अपनी अंतर स्थित शक्तियों को जगा पा रहे हैं कि नहीं जगा पा रहे हैं।
पढ़ते पढ़ते हम जवान हो गए, जवान होते होते हमने अपनी नौकरी चालू कर दी। नौकरी यूनिवर्सिटी पहले मेडिकल कॉलेज से चालू की, मेडिकल कॉलेज चालू करने के बाद BHL में नौकरी की, विदेश जाने का ऑफर आया उसको छोड़ा। छोड़ने के पश्चात जब मौज मस्ती के दिन होते हैं, जिसको मौज मस्ती के दिन बोलते हैं ना, घूमने फिरने के, उस समय हम सब छोड़ करके यहाँ आ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोगों को सबका करना चाहिए, परंतु 27 साल की उम्र में हम यहाँ आ गए थे, और 27 साल की उम्र में यहाँ आने के बाद आज हमको 30 साल हो गए यहाँ पर, पूरे 2007 में 30 साल पूरे हो जाएंगे। 30 साल की यात्रा में जब हम देखते हैं तो मित्रों, हमने जीवन का पूरा आनंद भी लिया, कहीं कोई कमी नहीं रही, पर वो आनंद तुम्हारी तरह से नहीं लिया, जिस तरह से तुम्हारे मन में कल्पना थी। मैं नहीं कहता कि तुम लोग सुबह से शाम तक केवल पढ़ाई पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, और फिर तुम लोग सभी योगी साधक बन जाओ, मेरी तरह काम करो, जैसा मैंने किया आने के बाद। मैंने आने के बाद 12-12, 14-14, 15-15 घंटे काम किया। आज भी मैं उतना ही काम करता हूँ, पर वो ज़्यादा बैठने का काम होता है। मैं उसमें शारीरिक श्रम भी बहुत करता था। तुम इतना कर सकते हो कि तुम्हारे श्रम का एक हिस्सा ऐसा हो जो तुम्हारे स्वाध्याय के लिए हो, तुम्हारे श्रम का एक हिस्सा जो हो औरों के लिए हो, चाहे यूनिवर्सिटी के लिए हो, चाहे वो श्रमदान के रूप में गांव के लिए हो, चाहे कहीं के लिए भी हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उस समय का उपयोग लेना चाहिए, लगना चाहिए। निष्काम कर्म करते करते हम विराट की ओर यात्रा करने लगते हैं। जितने भी व्यक्ति हुए हैं, खुदीराम बोस, भगत सिंह, श्री अरविंद, लक्ष्मीबाई, ये जितने भी लोग हैं, इनको क्या पड़ी थी इतनी कम उम्र में आग लगाने की अपने आप के अंदर? आखिर कुछ न कोई तो बात रही होगी, कोई ना कोई आग उनके मन में जिंदा रही जिसने उनको काम में लगा दिया। लोकमान्य तिलक कर्मयोग के प्रवक्ता माने जाते हैं, उनकी व्याख्या उनके जीवन से आती है। तिलक को गजानन महाराज ने कहा, गजानन महाराज उनके आध्यात्मिक गुरु थे, अब अंग्रेजों के खिलाफ मत बोलिए, आपको अगर जेल हो गई तो ये अंतिम जेल होगी। महापुरुषों के वाक्य बड़े गूढ़ होते हैं और बड़े सटीक होते हैं। उन्होंने कहा अंतिम जेल होगी, उसके बाद आप जी नहीं पाएंगे। तो तिलक ने कहा कि हम उद्देश्यों के अनुरूप न जी पाए तो ऐसा जीना किस काम का, ऐसी लंबी जिंदगी जीने से क्या फायदा। तो गजानन महाराज ने कहा हमें उम्मीद थी कि आप ऐसा ही कहेंगे, आप देश के लिए मरे हैं, देश के लिए मरेंगे। आपको याद होगा उन्होंने जेल में जाकर के उन्होंने तिलक रहस्य लिखा था। गीता के ऊपर सबसे बढ़िया कमेंट्री अगर कहीं है, तिलक रहस्य, तो गीता की कमेंट्री वहाँ लिखी गई थी। गजानन महाराज ने एक रोटी भेजी, और रोटी भेजी कि शरीर नहीं रहेगा पर इससे आपको अमरता मिलेगी, शरीर तो चला जाएगा पर अमरता मिलेगी, आप अमर रहेंगे, इस रोटी को खा लीजिए। महापुरुष का भेजा हुआ प्रसाद था, उन्होंने खा लिया। उसी दिन वारंट आ गया, वारंट आया 3 बजे के करीब, और उसने पुलिस वाले ने कहा, थानेदार ने, कि आपको चलना है। बोले कितनी बजे का वारंट है, कितनी बजे जेल में प्रवेश करना है? बोले जेल में आप कभी प्रवेश करें यहाँ से आपको 4:45 पर छोड़ देना है। बोले अभी कितने बजे हैं? 3। ठीक है, आप बाहर जाके बैठिए। बाहर जाके वो बैठ गए। तिलक ने अपने साथ ले जाने वाली किताबों को इकट्ठा किया, कपड़े बदले, धोती बनियान पहन करके सो गए। कोई आदमी ऐसा कर सकता है क्या कि जिसको जेल जाना हो निर्द्वंद भाव से सो गया आराम से, और कितने बजे उठे? ठीक 3:20 पे उठे, मुंह धोया, कपड़े बदले और किताब लेकर के चलो। इसको कहते हैं सच्चा कर्मयोग। किसी तरह की चिंता न हो, किसी तरह की परेशानी न हो, जो निरासक्त भाव से जीवन जीता है उसको कोई चिंता नहीं होती। हम यह मरे जाते हैं परीक्षा के डर के मारे, रात रात भर सो नहीं पाते, और जिसको जेल जाना है उसको मालूम है कि इस बार किसी भी हालत में जेल से वापस नहीं आना है, जेल से आते ही मृत्यु हो जाएगी। वो जी रहा है, ऐसा जीवन जी रहा है, और जीवन को अपने माध्यम से परिभाषित कर रहा है। मानसिक निश्चिंतता, निर्द्वंदता बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर तुम लोगों के अंदर ये आ जाए तो तुम लोग सारे परीक्षाएं, सारे जीवन की परीक्षाएं, माता पिता के दुख कष्ट कठिनाइयां, रिश्तेदारों कष्ट कठिनाइयां, सबको झेलते हुए चले जाओ। बहुत परेशानियां आती हैं, फ़ोन आता है तुम परेशान हो जाते हो, कोई पूछता है तो रो पड़ते हो, हम पूछते हैं रविवार के दिन सवेरे, गुरुवार को कभी तुम आते हो तो रो पड़ते हो। क्यों? तुम घर के दुख से दुखी हो, तुम्हें उनके दुख को कम करना आना चाहिए, तुमको उनको निर्द्वंद बनाना चाहिए, तुमको कोशिश करना चाहिए कि तुम उनको शक्ति दे सको, अपने माता पिता को। क्या हम जिस स्थान पर बैठे हैं गुरुदेव का स्थान है, हम प्रार्थना करेंगे और हम जाके कहेंगे जी डॉक्टर साहब से आप चिंता मत करिए, आप परेशान मत हो, तुम लोग परेशान हो जाते हो इसलिए वो लोग भी परेशान। तुम लोग रोने लगोगे तो 10 गुना रोएंगे,
तुम अगर एक गुना रोगे तो ढाई गुना तुम्हारे माँ बाप रोएंगे, और जब एक रोने लगता है तो एक के साथ साथ पांच को छूत का रोग लग जाता है। तू क्यों रो रही है, तेरा क्या हुआ? बोले वो रो रही है इसलिए मैं रो रही हूँ। उसको मालूम भी नहीं कि ये क्यों रो रही, मालूम नहीं लड़कों में रोग है कि नहीं रोने का। मेरे ख्याल से नहीं होगा आप लोगों में ना, बड़े मजबूत होते हैं लड़के, पर मैंने रोते हुए देखा है लड़कों को, लड़के भी ऐसे रोते हैं। द्वंद्वातीत अवस्था, द्वंद्व से परे कर्मयोगी के पास ही आती है। तिलक से किसी ने पूछा आज़ादी मिल गई उसके बाद आप क्या करेंगे, तो तिलक ने गणित पे किताबें लिखी थी। उन्होंने कहा मैं आज़ादी के बाद गणित पढ़ाऊंगा, मैं गणित का शिक्षक बनूंगा, मुझे नेता नहीं बनना, मुझे कोई कुछ नहीं बनना, मैं आज़ादी मिलने के बाद मैं खगोल शास्त्र पढ़ाऊंगा और गणित पढ़ाऊंगा। मित्रों, ऐसा कोई आदमी आपको याद आता है? किसी आदमी की याद आती है? कोई एक आदमी लड़का बता देगा तो मुझे वो अच्छा लगेगा। आज की दुनिया में जो है, आज है जो क्या, अब्दुल कलाम, बहुत बढ़िया। अब्दुल कलाम साहब ने कल कहा है रामेश्वरम में, इससे पहले भी कह चुके हैं, किसी ने कहा कि आप राष्ट्रपति बने हमारा गौरव बढ़ गया, आप 5 साल और बने रहिए हमारे रामेश्वरम क्षेत्र के, आप में आप पहली बार आए राष्ट्रपति बनने के बाद 5 साल और बने। 2007 की अगस्त में उनका रिटायरमेंट है, जुलाई में। तो उनसे कहा फिर से बन जाइए 5 साल के लिए, तो बोले नहीं मैं मिसाइल साइंस पढ़ाऊंगा, मैं फिर से पढ़ाऊंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं एक कमरे के मकान में रहूंगा और वहां रह करके पढ़ाऊंगा। इसको कहते हैं किसी भी हालत में निरासक्त भाव से जीने वाला पूरा कर्मयोगी, असली कर्मयोगी अगर देखना हो तो हमारे राष्ट्रपति के रूप में। हम लोग कोशिश कर रहे हैं मित्रों, इस बार पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस बार के कन्वोकेशन के लिए किसी तरह से हम राष्ट्रपति को राजी कर लें। राष्ट्रपति आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं उसको एक प्रकार से एक महात्मा के रूप में मानता हूँ। तो मिल जाते हैं, ताली तब बजाना जब कंसेंट मिल जाए, उनकी कंसेंट कहाँ मिली है, उनकी कंसेंट लेना बड़ा मुश्किल काम है। आज ही वो अपने गाँव में बोला है उन्होंने, हम जब रिटायर हो जाएंगे तो हम 5 साल के लिए रिन्यूअल नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, हम टीचर बनेंगे। आप गीता फिर से खोल लें, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक ले लें। दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, ये श्लोक ऐसे हैं, दो श्लोक ऐसे हैं जो मर्म हैं, 47वां और 48वां। अब मेरे साथ साथ कोई अगर गा सके, बोल सके तो गाना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू मा ते संगोस्तु अकर्मणि। ये जो संधि विग्रह करते हुए गाना जरूरी है, हेमंत कुमार ने जब इसको गाया था, इस श्लोक को महाभारत के पहले उन्हीं की आवाज़ में आता था। मा कर्म फल हेतु भू मा ते संगोस्तु अकर्मणि, भू और माँ के बीच में भू हु है, इसलिए माँ और भूर माँ हो गया। तो भूर माँ बोलोगे, ते असंग बोल दोगे तो फिर संस्कृत टूट जाएगी। संगोस्तु अकर्मणि, ठीक है ना, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तो कर्मों के फल का हेतु मत हो, ना तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना, कर्म में आसक्ति न हो, कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, दोनों तरफ से चाबुक मार रहे हैं भगवान। कर्म करने से मना मत कर, और कर्म करे तो उसके प्रति आसक्ति मत रख। दूसरा श्लोक उसी भाव से गाएंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है संगम त्यक्त्वा, संगी त्यक्त्वा है ना, आसक्ति को छोड़कर। ये संगम त्यक्त्वा शब्द गीता में कम से कम 50 बार आया है, आसक्ति को छोड़कर, आसक्ति को छोड़कर। गीता बार बार एक चीज पर ध्यान देती है, बार बार एक चीज पर जोर देती है, कर्म करते चले जाओ, करते चले जाओ, विराट को समर्पित करते चले जाओ, देते चले जाओ भगवान को, भगवान ये आपके पास, फल जरूर मिलेगा, तुम्हारा किया हुआ कर्म है, क्यों नहीं फल मिलेगा, आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, पर परेशान मत हो उसके लिए, योग में स्थित होकर कर्म करना। स्वस्थ का मतलब क्या होता है, स्व में स्थित है ना, आत्मस्थ का मतलब क्या होता है, और योगस्थ का मतलब क्या होता है, योग में स्थित, योग में स्थित होकर कर्म कर, यह है कर्म करने का सही तरीका। योग में स्थित होकर कर्म करना सीख, हर कर्म हर श्वास योग के माध्यम से, जरा सा भी एक भी कर्म ऐसा ना हो जिसमें कि तू आसक्ति के साथ कर रहा हो कर्म, सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में सिद्धि स्थित होकर करते हुए कर्म। सिद्धि असिद्धि मिली कि नहीं, सिद्धि यानी मिलना, असिद्धि यानी न मिलना,
मिला या न मिला कोई चिंता की बात नहीं, फल मिला नहीं मिला समत्व, समत्व की स्थिति यानी एक ऐसी इक्विलिब्रियम की स्थिति जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो ये श्लोक है संगम त्यक्त्वा आसक्ति को छोड़ना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। योगस्थ होकर आत्मस्थ होकर ही व्यक्ति छोड़ सकता है फल को। चित्त में आवरण है, प्रारब्ध जन्य बहुत सारे आवरण हैं, वे खुलते हैं। आवरण यानी पर्दे, पर्दे खुलते हैं, चित्त साफ हो जाता है, योग का मर्म समझ में आ जाता है। सारी समस्याओं की जड़ क्या है आज? संगम। अगर कहीं लिखना हो लिख सकते हैं, सारी समस्याओं की जड़ है आसक्ति, मोह। बस अगर मोह छूट गया, आसक्ति छूट गई, तो सब छूट जाएगा। तो भगवान पतंजलि एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, सुख दुख पुण्य विषयाणाम, सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा, ऐसी मैत्री करुणा मोहिता उपेक्षा, मित्रता दया प्रसन्नता और उपेक्षा की भावना से चित्त स्वच्छ हो जाता है। चित्त को स्वच्छ बनाना बहुत जरूरी है। चित्त एक लहरों की सागर की तरह से है, हमारा चित्त निर्मल नहीं है। और चित्त को निर्मल बनाने के लिए क्या कहते हैं? सुखी मनुष्यों में मित्रता की भावना करना, दुखी मनुष्यों में दया की भावना करना, पुण्यात्मा पुरुषों में प्रसन्नता की भावना करना, उनके पुण्य फल रहे हैं, और पापियों में उपेक्षा की भावना। कोई अगर तुमको कष्ट देने की बात कहता है, तटस्थता का बात, प्रतिक्रिया मत दो कि ये पापी है, दुष्ट है, घोटाला करता है, सारे सारे राजनीतिक ऐसे हैं। उपेक्षा, उपेक्षा का भाव बरतो। इससे क्या होता है? चित्त के राग द्वेष घृणा ईर्ष्या क्रोध आदि मलों का नाश होकर चित्त शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। साधक को नित्य इसका अभ्यास करना चाहिए। समाधि पर बड़े विलक्षण हैं पतंजलि, पहले समाधि सिखाते हैं फिर साधन सिखाते हैं। बड़ी विपरीत विपरीत बात है। पहले समाधि पाद सिखा दिया, उसके बाद का समाधि पे जाने के लिए साधन क्या है? साधन, फिर कैवल्य, फिर विभूति। बड़ी विलक्षण बात है। भगवान पतंजलि की जो बात है उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को समापन की ओर ले जा रहे हैं। भाई बहुत सारे लोगों के मन में आता है संग्रहित कर्म कैसे करें, किस किस ने किए। आदमी दो कारणों से कर्म करता है, लोभ से या भय से, लोभ से या भय से। कोई अगर पैसा दे के काम करा ले तो कर्म करता है, भाई काम करूंगा पर कितने पैसे मिलेंगे, ये लोभ से। रिश्वत लेने वाला भी लोभ से कर्म करता है। एक आदमी भय से कर्म करता है, दंड मिलेगा अगर नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। आप लोग जो है भय से कर्म करते हो, कैसे? नंबर कट जाएंगे, परीक्षा में फेल हो जाएंगे, घर वाले डांट लगाएंगे, दुनिया भर की अवमानना सहन करनी पड़ेगी, इसलिए पढ़ो। और अगर इसलिए पढ़ोगे कि इससे अंदर की आत्मशक्तियों का जागरण होगा, हमारी प्रतिभा का जागरण होगा, हमारे अंदर का महामानव जागेगा, तो क्या होगा? पढ़ने में मन लगेगा। और अगर ये भाव सोच के करोगे कि अरे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि एडमिशन तो हो ही गया, माता पिता की अपेक्षा है कि इसलिए पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर कल क्लास में डांट पड़ जाएगी। इसके बजाय अगर रोज़ पढ़ोगे, नियमित रूप से पढ़ोगे, तो कभी डांट नहीं पड़ेगी। ये जो भय से कर्म करते हो ना, गलत है। भय से भी कर्म मत करो, लोभ से भी कर्म करो, स्वस्थ चित्त से उच्च उद्देश्यों के लिए कर्म करो। स्वस्थ चित्त, बिल्कुल कहीं भी स्व में स्थित होकर चित्त, बलिदान करने से, न्योछावर करने से शुरुआत होती है संगम त्यक्त्वा की। सामान्यतः लोग मानते हैं कि हमें आध्यात्मिक जीवन जीना है तो हमको बुढ़ापे तक वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए बुढ़ापा आएगा तब। अरे कौन सी बात करने के लिए आ गए? धार्मिक वार्मिक बात करने आ गए, आध्यात्मिक बात करने आ गए? कई बार लोग पूछते हैं, क्या डॉक्टर साहब हरिद्वार चले गए? अच्छा चले गए हरिद्वार, चले गए हरिद्वार मतलब बूढ़े लोगों का केंद्र। 27 साल की उम्र में जब हम हरिद्वार आए तब लोगों को बड़ा बुरा लगा था कि हरिद्वार जाने की उम्र नहीं है ये। अरे हरिद्वार जाने की उम्र आपके पिताजी माताजी की, आपकी उम्र नहीं है। हम हरिद्वार आए तो हमारे पिताजी माताजी हमसे नाराज हो गए, तुम हरिद्वार क्यों जा रहे हो? वो भी नाराज रहे, उनका नाराज होना अपनी जगह सही था। एक साल तक नाराज रहे, एक साल के बाद उनको समझ में आया कि वास्तव में गुरुदेव ने जिस काम के लिए बुलाया। अब गुरुदेव ने हरिद्वार ही क्यों बनाया? मुझे लगता है ये परीक्षा के लिए है, ये द्वार है, और एक ऐसा द्वार है जो समत्वम योग उच्यते, समत्व इस तरफ आध्यात्मिकता है, इस तरफ भौतिकवाद है, उन दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए गुरुदेव ने द्वार के ऊपर शांति कुंज की स्थापना की, विश्वविद्यालय की स्थापना की, बड़ा सोच समझ के थोड़ी सी दूर स्थापना की ताकि हम में से कोई भौतिकवाद की ओर भाग नहीं पड़े। हरिद्वार जाते हो ना बाजार के लिए तो वहाँ सब सामान दिखाई पड़ता है, बाजार में वो ढेर सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं तो मन उछड़ जाता है। कई बार सीढ़ी दिखाई पड़ती है तो सीढ़ी लेने का मन करता है, कैसेट्स लेने का मन करता है, आकर्षण चीज़ें लेने पड़ती है। जैसे बच्चे का मन करता है ना, झूले देखने जाते हैं, मेला देखने जाते हैं, तो माँ की कपड़े खींचता, साड़ी खींचता है, ये ले लो
ये ले लो, ऐसा ऐसा करता है ना, हैं? हमारा मन भी करता है बार बार ना, तो तुम्हारा मन करता होगा ऐसा बार बार। गुरुदेव ने इसीलिए शायद इसको इस तरफ रखा है ताकि यहाँ से हम जाएं तो हिमालय की ओर जाने का सोचें, हिमालय आदर्शों के हिमालय की ओर चलना सोचें। मैं नहीं कहता भौगोलिक दृष्टि से हिमालय की ओर जाओ, आदर्शों के हिमालय पर चलने के लिए सोचो। स्वतंत्रता संग्राम में एक पूरी युवा जाति खड़ी हो गई, पूरी युवा जाति खड़ी हो गई, खुदीराम, भगत सिंह, अशफाक उल्ला, हिंद, कोई धर्म का भेद नहीं, संप्रदाय का भेद नहीं, मुस्लिम थे, हिंदू थे, बंगाली थे, पंजाबी थे, सब लग गए। जिनके भी अरमान थे, इनके भी रंग बिरंगे सपने होंगे, इनकी भी इच्छा होगी कि हम भी, हमारी भी बीवी होती, हमारी भी, हम भी कहीं खुशियों से झूम रहे होते अंग्रेजों की तरह से। अंग्रेज लोग झूम झूम के दिखाते थे कि भाई जीवन जीना क्या होता है, ऐसा मौज मस्ती से जीवन जिया जाता है। पर उन्होंने कहा नहीं, ऐसी गुलामी से हमको मुक्ति पानी है। सारा जीवन उन्होंने अपना पूरे के पूरे उच्च उद्देश्यों के लिए लगा दिया। उच्च उद्देश्यों के लिए अपना जीवन लगा देना, ये होता है मित्रों संगम त्यक्त्वा का मूल अर्थ। कैसे छूटी होगी आसक्ति, आप कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि जीवन मात्र खाने पीने के लिए नहीं है, जीवन मात्र शादी करके रंग बिरंगे सपने देखने के लिए नहीं है। मैंने किसी प्रसंग में आप लोगों को बताया था, इसी कक्षा में, इसी बैच को, सभी बैचर्स को, कि भगत सिंह की एक प्रेमिका थी। प्रेमिका मतलब वो उससे प्रेम करती थी, भगत सिंह तो राष्ट्र से प्रेम करते थे। उस प्रेमिका ने प्रस्ताव भेजा शादी का कि हम आपके शहीद होने से पहले आपसे शादी करना चाहते हैं, हम आपके साथ मरना चाहते हैं, आप उधर मरेंगे आत्महत्या करें, उधर हत्या आपकी फांसी लगेगी, इधर हम आत्महत्या कर लेंगे। तो भगत सिंह ने कहा कि हम ऐसा नहीं करना चाहते, हमने जिस राष्ट्र के लिए अपने आप को बलिवेदी पर चढ़ाया है उसी के लिए हम तुम्हें भी प्रेरित करना चाहेंगे, तुम भी उस राष्ट्र के लिए कर्म करो, कर्म करते करते मरो, हम भी कर्म करते करते मरने जा रहे हैं। मित्रों ये लोग भी जवान थे, 20-22 साल की उम्र थी, क्या करना, क्या जरूरत थी? स्वामी विवेकानंद को क्या जरूरत थी अपने शरीर को जलाने की पूरी तरह से? रामकृष्ण परमहंस को क्या जरूरत थी इतना सारा सबका दुख लेने की अपने ऊपर? ये सारे के सारे लोग वो हैं जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। आज क्या हो गया है कि मल्टीनेशनल की नौकरी मिल जाए, कमाएंगे, खाएंगे, कार आ जाएगी, घर में बहू आ जाएगी, बस यही एकमात्र एक सुख रहता है। सुंदर सी बीवी हो, अच्छे से कट हो, उसके अच्छे से बाल हो, और ज़रूर फिल्मी हीरोइन से मिलती जुलती हो, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। यानी इसके अलावा जो भी हैं दुनिया में वो सारी लड़कियां अविवाहित रह जाएंगी। विवाहित विवाह तो हम करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी में कमाते हैं 80,000, तो हमारे लिए बहुत सुंदर सी पत्नी होना चाहिए। जीवन की सार्थकता क्या यही है? खाना पीना, शादी कर लेना, और शादी करके इनके साथ जीवन जीतना। पर ये लोग छोटी उम्र में बड़े बड़े काम करके चले गए, इनसे कुछ प्रेरणा मिलती है कि नहीं हमको? इनके 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 माध्यम से हमें जीवन में कुछ करने की उमंग आती है कि नहीं? करपात्री जी के गुरु थे विष्णु बोधाश्रम, ये जोशीमठ के, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, आज से करीब 100 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। करपात्री जी तप करने चल दिए, 12 साल की उम्र हिमालय जा रहे हैं। थानेदार ने पकड़ा और घर ले आया, बोले कि साहब ये तो भाग रहा था लड़का, हमने सोचा घर से चोरी करके जा रहा है, पता लगाया कि आपके घर का है, माता पिता के पास फिर से ले आया। थानेदार से बार बार बोले कि हम फिर से भाग आएंगे, आप जितनी बार पकड़ोगे उतनी बार हम बार बार भाग के आएंगे, पर बार बार हम जो है हिमालय की ओर भागेंगे, घर चले जाएंगे। पिताजी ने कुल पुरोहित को बुलाया, कुल पुरोहित ने कहा 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 26 से 50 साल तक गृहस्थ धर्म, 51 से 75 साल तक वानप्रस्थ धर्म, और 76 साल के बाद बेटा संन्यास धर्म। तो वो बोलते हैं स्वामी जी आपकी उम्र क्या है? तो बोली मेरी उम्र 70 साल की। तो आपने क्यों नहीं लिया संन्यास? अब संन्यास की तैयारी आपने क्यों नहीं की? अब आपके बदले का भी करने के लिए हम जा रहे हैं। बड़ी विलक्षण घटना ये कल्याण में छपी थी कि आपके बदले का भी त्याग मुझे ही करना पड़ेगा। आप जैसे न जाने कितने लोग हैं जो संन्यास नहीं लिया, जिन्होंने वानप्रस्थ नहीं लिया। आप जैसे बुजुर्गों को देख के लगता है कि मेरे जैसे लोगों को जल्दी चलना चाहिए, जल्दी इस काम को करना चाहिए। आपको मालूम होगा गुरुदेव भी हिमालय की ओर चले गए थे, है ना? गुरुदेव भी हिमालय की ओर चले गए थे और उनको पकड़ के उनके रिश्तेदार लाए, तो उन्होंने कहा कि हम हिमालय जाना चाहते हैं, हम हिमालय जाना, हमारा गुरु हमें बुला रहा है। गुरु बुला करके ले गया 15 साल की उम्र में। इसकी कोई उम्र नहीं होती, डिवाइन एक्शंस, दिव्य कर्म करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, दैवी कर्म करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। आसक्ति का त्याग कर्म करते हुए, सामान्य जीवन जीते हुए, पैंट शर्ट पहने हुए, गृहस्थ धर्म में जीते हुए भी किया जा सकता है। लोगों को लगता है कि हम कैसे कर्म करेंगे? स्वामी विवेकानंद बहुत बड़ी बात कह गए, अरे संन्यास में रह करके आसक्ति रहित जीवन जीना आसान है हमारे लिए, गृहस्थ में रह करके जीना कितना कठिन है। और जो गृहस्थ में रहकर के आसक्ति रहित जीवन जीले वो संन्यास से भी श्रेष्ठ है, वानप्रस्थ से भी श्रेष्ठ।
बच्चों ये जो सबसे बड़ी बात है संगम त्यक्त्वा, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे रिश्ते हैं, हमारे मोह हैं, हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। मैं, मेरी माता, मेरी नानी, मेरे रिश्तेदार, शादी ब्याह और नाचना है मुझे शादी में, सारी चीज़ें वही याद आ जाती हैं। भाई कोई साथ चलने वाला है, कोई भी साथ नहीं चलने वाला, सब यहीं समाप्त हो जाएंगे। संगम त्यक्त्वा कब, आसक्ति कब छोड़नी है, जब हमें बोध हो जाए, जब हमें बोध हो जाए। अभी क्या करें, कर्म करते चलें, आसक्ति रहित कर्म करने का प्रयास करें। जितने ज़्यादा करेंगे उतना कलेक्शन होता जाएगा, ये बोध धीरे धीरे होता है। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को कराया था, अंगुलीमाल को बोध कराया तो उतना क्रूर कर्म करना उसे छोड़ दिया। परम पूज्य गुरुदेव के पास इतने सारे लोग आते चले गए क्योंकि बोध हो गया उनको कि इस जीवन को, ये जीवन बेकार है, जीवन ये सही है। जब हम गलतियों को स्वयं समझने लगते हैं तो आसक्ति टूटती है। एक प्रश्न उठता है, कर्म का फल कैसे छोड़ें? भाई कर्म हमने किया है, इतनी मेहनत की है, हम फल कैसे छोड़ दें, आसक्ति कैसे छूटे? तो कर्म फल की कैसे छोड़ें, बोनेपन से जुड़े हुए कर्म न करें, कर्म फल की इच्छा न करें, बड़े उद्देश्यों के लिए कर्म करें, बड़े उद्देश्यों के लिए, विराट उद्देश्यों के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, युग के नवनिर्माण के लिए। जब भी सोचेंगे कर्म फल के बारे में सोचेंगे। अगर एक लड़के स्टूडेंट के मन में एक कॉम्प्लेक्स आ गया, मुझे टॉप करना है। मैं एक लड़की को जानता हूँ, सिलीगुड़ी गया था, वहाँ वो मिली थी, और उस सिलीगुड़ी वाली लड़की ने मुझसे कहा कि सर मैं टॉप करना चाहती हूँ, पर मैं हर बार जो है, मैं कम से कम जितने कोशिश करती हूँ, मैं लिख के पूरा आती हूँ, मेहनत पूरी करती हूँ, पर लिखते लिखते कुछ ऐसा कुछ लिख जाती हूँ कि मेरा नंबर तीसरा या चौथा आ जाता है, नींद चली जाती है। और एग्ज़ाम पूरा होने के बाद तो नींद आनी चाहिए, मुझे 10-10, 15-15 दिन तक नींद नहीं आती। बच्चों को कॉम्प्लेक्स जो एक स्टूडेंट में आ जाता है, सारा कंसंट्रेशन पढ़ाई का कम हो जाता है जब आपकी इच्छा उससे जुड़ जाती है कि टॉप करना है। टॉप करना है तो सारा कंसंट्रेशन किस में चला गया, टॉप करने में चला गया। कंसंट्रेशन कम हो गया, मेमोरी चली गई, अटैचमेंट कहीं और हो गया, चित्त उद्विग्न हो गया, मन भ्रमित हो गया, स्मृति क्षीण हो गई। अब ये सारे दुर्गुण आपके साथ जुड़ गए, टॉप एक तरफ रह गया और लो बॉटम नीचे वाला हिस्सा आ गया। इसी वजह से बार बार मन भयभीत होता है। मन जब कर्मफल में आसक्त होता है तो मन कहीं नहीं लगता। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मेरे को कभी स्कूल जाने का फिर से मौका मिले, फिर से मुझे पुनर्जन्म मिले, तो मैं दो सब्जेक्ट पढ़ना चाहूँगा, दो सब्जेक्ट फिर से पढ़ना चाहूँगा। कौन कौन से? कंसंट्रेशन एंड कंटेम्पलेशन, पहला सब्जेक्ट कंसंट्रेशन एंड कंटेम्पलेशन, दूसरा सब्जेक्ट डिटैचमेंट। और मैं हर छात्र जो मुझे मिलेगा उसको पढ़ाना चाहूँगा। कंसंट्रेशन से मनोशक्तियों का विकास होता है, कंटेम्पलेशन से मनोशक्तियों का नियोजन होता है, डिटैचमेंट से शक्तियों का उपयोग होता है, सदुपयोग होता है। हर प्रतिभाशाली महामानव क्यों नहीं बनता? इतने सारे प्रतिभाशाली हैं, इतने IAS ऑफिसर हैं, इतने IPS ऑफिसर हैं, महामानव क्यों नहीं हूँ? इतने पढ़े लिखे लोग मैंने देखे, IAS ऑफिसर टॉप किया उन्होंने, परंतु महामानव थोड़ी हैं। उनके अगर तुम बातें सुन लोगे तो लगेगा कि ये IAS कैसे बन गए। डिटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट इतना ज़्यादा है, बंगला, कोठी, रिश्वत, जीप, नीली बत्ती, लाल बत्ती, अटैचमेंट, ये सारा का सारा अटैचमेंट जो है आदमी को सामान्य कर्म करने से रोकता है, आसक्ति की तरफ ले जाता है, असामान्य बना स्थिति में नहीं आने देता। असामान्य बनने के लिए निरअहंकारिता डेवलप करनी पड़ेगी, बिना किसी अहंकार के कर्म, व्यक्तित्व की विराटता। आद्य शंकराचार्य की माँ बोली कि बेटा तू मत जा। आदि शंकराचार्य पानी के अंदर घुस गए, बोले माँ मेरे को मगर ने पकड़ लिया है, और मगर ये कह रहा है कि तभी छोड़ूंगा जब माँ सन्यास की आज्ञा दे देगी। तू सन्यास की आज्ञा दे दे माँ, मैं कम से कम जिंदा तो रह जाऊँगा। अच्छा आ जा, मैं तेरे को सन्यास कह दे। आ गए बाहर। अगर वो अटैचमेंट माँ के प्रति रखते और डिटैचमेंट नहीं रखते समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, तो क्या देश की संवेदना से पीड़ित होकर के ये चार मठ स्थापित कर पाते, केरल से निकल पाते? केरल में बने रहते, केरल का आदमी केरल में बना रहता है। आसक्ति जाति की होती है, लिख सकते हैं, आसक्ति जाति की होती है, आसक्ति क्षेत्र की होती है, जाति की, क्षेत्र की, भाषा की आसक्ति होती है। कभी महाराष्ट्रियंस के बीच में फंस जाओ, कोई महाराष्ट्रियन बैठा तो बुरा मत मानना, महाराष्ट्रियंस के बीच में फंस जाओ तो मराठी में बात करने लगते हैं आपस में। अब मैं इंदौर में रहूं तो मुझे मराठी आती है, मैं समझ लेता हूं, तो
कभी जब ऐसी बात होती है तो फिर मैं बीच में एक आध मराठी वाक्य बोल देता हूं, तो फिर वो कहते हैं अरे आपको आती है तो आपने हमारी सारी बात सुन ली, इसका मतलब बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। भाषा की आसक्ति नहीं छूटती हमसे, प्रतिष्ठा की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, पद की आसक्ति, वैभव की आसक्ति, इन आसक्तियों से मुक्ति पानी है। प्रतिष्ठा की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, पद की आसक्ति। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक बात कही है, कंचन तजना सहज है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। सोना छोड़ना आसान है, अपनी पत्नी का प्रेम छोड़ना आसान है, मान बड़ाई ईर्ष्या सहज न तजिए कोय। मतलब ये तीन चीज़ तो, दो चीज़ तो आराम से छोड़ी जाती है। सोना छोड़ सकते हैं, हाँ सोना बल पूरा दे दिया, दान दे दिया, फिर माइक से अनाउंसमेंट भी करवा दिया, श्री सो इन सो सज्जन ने इतना सोना दान दिया है। उन्होंने मना किया था कि न बोला जाए नाम, फिर भी हम नाम बोल रहे हैं, तो नाम सुनने की बड़ी खुशी होती है। सहज त्रिया का नेह, पत्नी का आकर्षण, पत्नी का प्रेम। मान बड़ाई ईर्ष्या सहज न तजे कोय। सम्मान बड़ाई और ईर्ष्या, तीन चीज़ आदमी सहज नहीं, सहज रूप से नहीं छोड़ पाता। ईर्ष्या जरूर करेगा, बड़ाई की इच्छा रखेगा, अपने मान के ऊपर टिका रहेगा। इसलिए भगवान ने कहा है निर्मान मोहा जितसंग दोषा। नोट कर लो यहाँ पर, बाकी आगे बताऊँगा उसको। अध्याय 15 का 5वां श्लोक, निर्मान मोहा जितसंग दोषा, अध्यात्मनित्ता विनिवृत्त कामा। अध्याय 15 का 5वां श्लोक, अभी कक्षा की दृष्टि से बहुत जल्दी है। संग दोष का त्याग, आसक्तियां हमारी शुद्रताओं में हैं। नाला जब गंगा में गिरा तो क्या खोया उसने बताऊं, क्या खोया? गंदगी खोई, पर गंगा में मिलने के बाद क्या बन गया? गंगा नदी बन गया। तो गुरुदेव ने कहा तुम अपनी क्षुद्रताएं मुझे समर्पित कर दो, मैं तुम्हें महानता दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गुरुदेव ने कहा तुम मुझे शुद्रता दो, मैं तुम्हें महानता दूंगा। शुद्रताएं अपनी विसर्जित कर दें, समर्पण जब करते हैं तो खोने के लिए क्या है? छोटी छोटी आसक्तियां, छोटी छोटी शुद्रताएं, छोटी छोटी आसक्तियां यदि हम छोड़ देंगे, छोटी छोटी शुद्रताएं हम छोड़ देंगे। छोटी छोटी आसक्ति किस चीज़ से है? अरे बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आसक्ति देखी मैंने, पेन से आसक्ति देखी है मैंने। मैंने आसक्ति देखी है कि हमारी जेब में एक रुमाल रहता था, वो बड़ा हमारा फॉर्चुनेट माना जाता था, वो रुमाल मिल नहीं रहा है, मालूम नहीं क्या किस्मत का क्या दोष, कुछ वो प्रकोप होने वाला है। अरे छोटी छोटी चीज़ों में क्यों उलझते हो, फालतू की जरा जरा सी बातों में? छोटी छोटी आसक्तियों से मुक्ति बनने के बाद ही साधारण से महामानव बनने का रास्ता मिलेगा। विनोबा गांधी के शिष्य थे, माँ से बड़े प्रभावित थे, सब बच्चों को अच्छा भोजन देती थी माँ। कहानी है सुन लो, बड़ी सुंदर कहानी। सब बच्चों को अच्छा भोजन देती थी, आसपास के सब आ जाते थे, पर अपने बेटे को रूखा सूखी रोटी देती थी। तीन भाई थे, रूखी रोटी हमको खाने को मिलती है, ऐसा क्यों? बोले सब नारायणों को भोजन कराती हूँ ना। बोले सब नारायण है तो मैं नारायण नहीं हूँ क्या? बोले बेटा मुझे सब में तो नारायण दिखाई पड़ते हैं, पर तेरे अंदर मेरा, मेरे को बेटा दिखाई पड़ता है। मेरा बेटा दिखाई पड़ता है तो मैं अपने बेटे के साथ शक्ति कर सकती हूँ, पर नारायण के साथ नहीं कर सकता। इतना प्यार करते थे कि माँ ने मुझे सिखाया कि नारायण को कैसे प्यार करना, दरिद्र नारायण को कैसे प्यार करना। जब सब घर छोड़ के चले आए, सब कुछ छोड़ दिया, तो माँ की याद कोई ले जाने का मन में आया कि माँ की कोई स्मृति चिन्ह साथ में ले चलें। माँ की स्मृति क्या हो सकती है? माँ की एक साड़ी थी, उन्होंने कहा ये माँ इस साड़ी को पहनती थी, अब इस साड़ी से हमको माँ की याद आती रहेगी। तो उस साड़ी, माँ की साड़ी सिर पर रख के ध्यान करते थे, उससे क्या रहता ध्यान अच्छा लगता था उनको। अब कहीं ना कहीं तो आसक्ति रह गई, आसक्ति हो गई। तो जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ तो लोग उनके पास आए कि भगवान आपके पास तो और कुछ नहीं है, पर ये जो साड़ी रखी है, साड़ी जो है ये विदेशी कपड़े की बनी है, विदेशी कपड़ों की होली जल रही है, आपको भी इसको जलाना पड़ेगा। अब वो अंदर चले गए, रोने लगे, माँ की तेरी याद खूब आ रही है, आज तेरी साड़ी एकमात्र थी जो हमारे पास स्मृति के रूप में रखी थी। उन्होंने वो जो आग लग रही थी उसमें साड़ी डाल दी। अंतिम उस दिन उन्होंने कहा मैं आज अंतिम आसक्ति से मुक्त हो गया, अब मुझे माँ मेरे अंदर समा गई है, अब मुझे कभी याद आएगी भी तो अंदर बैठ करके याद आएगी, माँ मेरे अंदर बैठ जाएगी। मैं केवल वस्तु के माध्यम से उसको याद करता था। कई बार हम वस्तुओं के माध्यम से किसी व्यक्ति को याद करते हैं, बड़ी मुश्किल से अंतिम आसक्ति जाती है, समाप्त करती है। फल तो प्रकृति के विधान में है, कर्म हमारा है तो फल कोई और क्यों भोगेगा? हमेशा याद रखो, अगर तुम्हारा कर्म है तो फल तुम ही भोगोगे, कोई दूसरा नहीं भोग सकता, कोई दूसरा सेंध नहीं लगा सकता।
तुम्हारे कर्म है तो तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें ही मिलेगा। फल की चाहत हमारे मन को विखंडित कर देती है, डिवाइडेड पर्सनालिटी, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस डेवलप करती है फल की चाहत। और इमोशंस को बिल्डअप करना है तो क्या करें, फल की चाहत समाप्त कर दें। कर्म में तेवर लाना है तो फल की चाहत समाप्त कर दें। कर्मों में तेवर नहीं आ रहे हैं अभी, अभी क्या हो रहा है, कर्म ऐसे ही चल रहे हैं ढीले ढाले। मैंने कहा था ना कल अकुशल कर्म, और जब कुशल कर्म आ जाते हैं तो जीवन हमारा बदल जाता है। स्वामी भगवान पतंजलि कह रहे हैं चित्त निर्मल हो जाता है स्फटिक मणि की भांति, स्फटिक मणि की भांति निर्मल हो जाता है यदि हम निरंतर आसक्ति से मुक्त होते रहे तो। आसक्ति मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा के माध्यम से। कर्म का उद्देश्य चित्त की निर्मलता ही है। सुख दुख फिर कोई मीनिंग नहीं रखता। जीवात्मा अपने कर्तव्य पूरे करने के लिए फिर अपने कभी कभी अपने आप को कष्ट में भी डाल लेती है। उदाहरण आपको मालूम है, रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने अपने आप को कष्ट में डाला, क्यों, कर्तव्य पूरे करने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी विवेकानंद जिन्होंने अपने आप को दमे के माध्यम से कष्ट में डाला, परेशान हुए, दुखी रहे। कर्मयोगी कर्म करते करते व्यक्तित्व की दीवारें तोड़कर विराट में घुल जाता है। कर्मयोगी कर्म करते करते व्यक्तित्व की दीवारें तोड़कर विराट में घुल जाता है। तीन चीजों से मुक्ति चाहिए हमें, अगर हमें निरासक्त जीवन जीना है तीन चीजों से मुक्ति चाहिए, साधनों से, संबंधों से और स्वयं से। साधनों से, संबंधों से और स्वयं से मुक्ति, आसक्ति, इनसे मुक्त हो जाना है। देहातीत भाव विकसित करें, देह से परे चलें, जैसे भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं, देह से आसक्ति समाप्त हो जाए। कर्मयोग का शिखर बिंदु यही है। तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक ले लें, तस्माद् असक्तः सततम् कार्यम् कर्म समाचर असक्तो या चरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर, असक्तः आसक्ति से रहित होकर सतत कार्य का आचरण कर, कर्तव्य कर्म को भलीभांति कर। असक्तो ही आचरण कर्म, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर ही कर्म करता हुआ मनुष्य परम आपनोति, परम को, परमात्मा को प्राप्त होता है। यदि परमात्मा को प्राप्त होना है तो एकमात्र तरीका है अपने जीवन में आसक्ति को स्थान देना, और वह धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगी। इसके बारे में और भी कई कथानकों के माध्यम से व्याख्या सुनाएंगे। स्वामी विवेकानंद की बात सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, संसार में कर्म ऐसे करो मानो एक विदेशी पथिक हो, पर्यटक हो। कर्म तो निरंतर करो परंतु अपने को बंधनों में मत डालो। संसार हमारी निवास भूमि नहीं है। सांख्य का एक महावाक्य है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं है। समस्त प्रकृति, त्रैगुण्यमयी प्रकृति आत्मा के लिए है पर आत्मा प्रकृति के लिए नहीं है, सांख्य का महावाक्य माना जाता है। आगे वो कहते हैं, स्वामी की तरह काम करो न कि दास की तरह, तुम अपने आप के स्वामी हो, मुक्त भाव से प्रेम सहित न कि दुखी होकर काम करो। दुखी होकर के जो काम करता है वो भगवान के साथ अन्याय करता है, भगवान के साथ एक प्रकार से परमात्मा का आत्मा होने के नाते गड़बड़ी करता है, गलती करता है। ओम जौ शांति अंतरिक्ष गुं शांति ही पृथ्वी शांति रापः शांति औषधय शांति ही वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।